सो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग बोले थे मैथ ओलंपियाड का लेसन शुरू कर रहा है हम लोग, जो 13th of November को शुरू, मतलब एग्जाम शुरू होगा 13th of November। और दोस्तों, हम लोग लेसन वन किए थे, फ्रैक्शन से शुरू किए थे, नंबर लाइन, नंबर सिस्टम वो बताए थे आप लोग को, उसका फ्रैक्शन का टाइप बोले थे, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद दोस्तों हो गया मिक्स फ्रैक्शन, सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में बोले थे, लेसन नंबर वन में बोले थे। और दोस्तों, आज है लेसन नंबर टू, हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसलिए दोस्तों हम लोग लेसन नंबर टू आज ही अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों, जो आप लोग को मैं लेसन नंबर वन में समझाया था, अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग जरूर आपको हेल्प करेंगे, जरूर मदद करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेसन नंबर टू, अगर आप लेसन नंबर वन नहीं देखे तो प्लीज लेसन नंबर वन को थोड़ा देख के, मतलब देख के उसके बाद लेसन नंबर टू को आप देखिए। ठीक है दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो मैं इसको यस कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बोलूंगा कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन थोड़ा सा डीप जाऊंगा, फ्रैक्शन की तरफ, मतलब थोड़ा डीप, उसके बाद दोस्तों मैं बोलूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 3/5 = x/10, यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन में 3/5 = x/10। तो दोस्तों, फाइंड x, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइंड x, आपके क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि x का वैल्यू निकालो, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको देगा a b c d, की चार ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं x फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानती होगी कि इक्वल टू जब होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 10 3 से जैसे 5 और x को इंटू करके क्या होगा 5x, उसके बाद 10 और 3 को इंटू करके क्या होगा 30। तो दोस्तों अभी यहाँ पे 5x = 30 आया है, और दोस्तों यहाँ पे x कैसे निकाले, देखिए x को मैं अगर अब किधर रख रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और 30/5, देखिए ये अगर आप करेंगे, आप मतलब आपको कोई कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पे कैसा आया, ये कैसा आया, दोस्तों डोंट वरी, देखिए आप अगर ये स्टेप फिर से आप करिए ना, मल्टीप्लिकेशन तब आपको ये पिछला वाला स्टेप ही मिलेगा, दैट मीन्स ये दोनों दोस्तों सेम है, दोनों लाइन सेम ही है। दोस्तों आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ x = 30/5 लिखा। और दोस्तों, अगर अभी आप जानते होंगे कि 5/5 = 30/5 कितना होता है, 6 × 5 = 30 = x = 6, ये होगा मेरा आंसर। दोस्तों अभी आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन है आपके ऑप्शन जो रहेगा ए बी सी डी, उसमें मिला भी सकते कि 6 है या नहीं है, अगर नहीं है तो दोस्तों दैट मीन्स आपने कुछ स्टेप में गलत किया होगा, फिर से चेक कीजिए आपको आ जाएगा। दोस्तों कैसे आप वेरीफाई करेंगे आपका जो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया वो ठीक है या नहीं। दोस्तों अगर अभी यहाँ पे 3/5 क्वेश्चन है, x का वैल्यू 6 है, ठीक है दोस्तों, 6 में x का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख लीजिए x के वैल्यू में, अभी 10 6/10, x का वैल्यू में 6 है तो मैं 6 लिख दिया, उसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 6 5 6 30, देखिए दोस्तों 30 30 = 30, दैट मीन्स दोनों इक्वल, दैट मीन्स योर आंसर इसका है दोस्तों, दैट मीन्स x का वैल्यू 6 ही होगा। ओके दोस्तों, आप अभी आप यहाँ पे चूज करते हैं एक्चुअली में, अगर सी हुआ तो 30 का है, ठीक है दोस्तों, अभी आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, आप अगर मतलब कोई भी कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग जरूर हेल्प करेंगे, ये एक प्रॉब्लम आ सकता है फ्रैक्शन का, और थोड़ा डीप में जाएंगे फ्रैक्शन का, ये मैं यस कर रहा हूं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि पार्ट वन वीडियो में कि फ्रैक्शन का 3 टाइप होता है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये मैंने तीनों पिछले वीडियो में बोला था। दोस्तों और थोड़ा डीप जाओगे तब आपको और थोड़ा थोड़ा नया नया चीज सीखने को मिलेगा।
तो दोस्तों फ्रैक्शन का और भी दो टाइप होता है, एक है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, जैसे यूट्यूब में लाइक होता है लाइक फ्रैक्शन, और एक है अनलाइक फ्रैक्शन। एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। मैंने यहां पे पॉइंट करके आपको दे रहा हूं, पॉइंट करके आपको सुविधा होगा, लाइक फ्रैक्शन और दो नंबर होगा यूट्यूब में अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। और दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या है मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए लाइक फ्रैक्शन होता है जब हम लोग पिछले वीडियो में आपको सिखाए थे व्हाट इज डिनोमिनेटर व्हाट इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो ऊपर है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो ए और सी ये दोनों होगा न्यूमरेटर, ठीक है, और बी और डी ये दोनों होगा डिनोमिनेटर। और दोस्तों यहाँ पे न्यूमरेटर, अभी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बात क्यों जिक्र किया, क्योंकि दोस्तों ये टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएगा फॉर डिफाइनिंग लाइक फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म चाहिए, इससे मैंने ये जिक्र किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो दोस्तों अगर डिनोमिनेटर जो नीचे का है, नीचे का ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, नीचे जो नीचे का पार्ट है वो अगर सेम दोनों सेम रहे, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शन, बोथ आर सेम लाइक फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लाइक फ्रैक्शन के लिए बात करूं, लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे फॉर जैसे यहाँ पे आप आ सकते हैं कि 4/3 इक्वल्स टू 9/3, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में 3/3 है, 9/3 इक्वल्स टू 4/3 दोनों सेम है, तो दैट मीन दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन आपको समझ आ चुका होगा। और दोस्तों अभी आप खुद ही एक मतलब इमेजिन कीजिए कि लाइक फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा मतलब क्या, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, दैट मींस यहाँ पे 4/3 प्लस 9/3 नहीं होगा, अनलाइक फ्रैक्शन की अनलाइक फ्रैक्शन में दोस्तों यह भी होगा जैसे 4/7 इक्वल्स टू 9/3, डिनोमिनेटर मैंने एक चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे 3 था पहले यहाँ पे मैंने 7 कर दिया, इसको कहते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम और अनलाइक फ्रैक्शन दैट मीन्स डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे और मैंने पहले पिछले वीडियो में 3 टाइप का पढ़ा था फ्रैक्शन, तो आज थोड़ा डीप गया तो 2 और टाइप आया है हमारे सामने, ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज अनलाइक और व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल देके भी आपको पूछ सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि मतलब कौन सा अनलाइक है कौन सा लाइक का है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, ये भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे पूछा कि मतलब एग्जाम में आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ग्रेटर है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, हाँ ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आया था मैं 3/4, हाँ उसके बाद है 3/9, इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा यहाँ पे 3/4 ग्रेटर है मतलब बड़ा है या 3/9 ग्रेटर है, ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा तो आप क्या करेंगे, आप तो सोच रहे कि हाँ 9 तो बड़ा है, दैट मीन्स 4/9 बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे 9 देखिए, हमें तो आप 19 कीजिए इसको, 9 क्या, मैं 99 भी कर सकता हूँ दोस्तों, 19 कीजिए आप इसको, डोंट वरी,
3 by 19 और 3 by 4 में आप सोच सकते हैं कि हाँ 19 ऑलवेज 19 बड़ा होगा क्योंकि 4 से 19 बड़ा है. नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलत कर रहे क्योंकि यहाँ पे दिखने में बड़ा है 19 इज मतलब ये दिखने में बहुत बड़ा है 19 इज फार मोर ग्रेटर देन 4. बट दोस्तों यहाँ पे जब फ्रैक्शन में ना फ्रैक्शन में उसका उल्टा है. ठीक है दोस्तों, मतलब उल्टा पूरा उल्टा ही है दोस्तों. यहाँ पे देखिए मैं और एक क्वेश्चन आप देखिए बोल रहा हूँ. यहाँ पे एक और एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ. यहाँ पे 3 बाई 4 पहले ये सॉल्व कर लेते हैं. 3 बाई 4 जैसे 3 बाई 19. अभी यहाँ पे वो ग्रेट क्वेश्चन आपको देखने में तो लग रहा है कि हाँ ऑब्वियसली 3 बाई 19 इज ग्रेटर. ठीक है, लेकिन दोस्तों नो नो, इसमें ग्रेटर होगा 4 बाई 3 मतलब सॉरी 3 बाई 4. क्यों ग्रेटर होगा पूछ सकते आप, आपका मन में क्वेश्चन क्यों ग्रेटर होगा. देखिए दोस्तों यहाँ पे सोचिए कि मैं एक मतलब एक लैंड खरीदने गया, लैंड खरीदने गया लैंड. ठीक है, ये पे लैंड तो इसमें चौथा मतलब चार पार्ट है, 1 2 3 4. ठीक है दोस्तों चार पार्ट है. जब चार पार्ट है उसमें से तीन पार्ट, ठीक है चार पार्ट में तीन पार्ट ऑलरेडी मैंने मतलब फुल हो गया. ठीक है, चार से तीन पार्ट फुल हो गया. हाँ तो अभी कितना पार्ट बचा है, एक ही पार्ट बचा है. ठीक है दोस्तों चार में से तीन पार्ट फुल हो गया लेकिन एक ही पार्ट बचा है. तो आपको ऑब्वियसली आपको मतलब फुल कितना हुआ, तीन, तीन फुल हो गया. देखिए चार में से तीन फुल हो गए, दैट मींस वन पार्ट इज मतलब बचा है वो, इट इज एम्प्टी, वन पार्ट इज एम्प्टी और बाकी सब फुल हो गया. तब आप क्या करेंगे, आप इसमें देखिए आप समझिए कि तीन पार्ट फुल हो गया दैट मींस सिर्फ एक ही जगह बचा है. तो इसमें क्या मतलब तीन पार्ट में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, थ्री ऑक्यूपाइड हो गए. ठीक है, तीन पार्ट ऑक्यूपाइड हो गया तो एक ही पार्ट बचा है, वन अनऑक्यूपाइड है. तो दोस्तों अभी इसमें आप देखिए कि कौन सा ग्रेटर होगा, थ्री होगा ग्रेटर ना वन होगा. आप बोलिए यहाँ पे ऑब्वियसली थ्री विल बी ग्रेटर. ठीक है दोस्तों, थ्री विल बी ऑब्वियसली, फ्रैक्शन में यही होता है थ्री विल बी ग्रेटर देन वन. ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसमें आता हूं मैं क्वेश्चन में. ये तो मैं आपको रात में समझाया, अभी क्वेश्चन में आता हूं आपको. एक मैं ओलंपियड जो है वो है दोस्तों टाइम, टाइम आपको ज्यादा नहीं, बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसका ही ओलंपियड है दोस्तों. मतलब टाइम जो सॉल्विंग है वो आपको मैं सिखा रहा हूं. देखिए और एक चीज जिसमें दोस्तों न्यूमेरेटर देखिए, न्यूमेरेटर जब सेम होगा, हाँ न्यूमेरेटर सेम है तब आप क्या करेंगे, तब आप डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे. डिनोमिनेटर में देख सकते हैं आप लोग 19 बड़ा है, 19 बड़ा है 4 से. ठीक है, तो दोस्तों अभी हमेशा ये एक चीज याद रखना, मैं आपको लिख के डेफिनेशन लिख के आपको मैं ये नोट कीजिएगा, लिख के दिखा रहा हूं. 3/4 = 3/19. तो दोस्तों जब न्यूमेरेटर इज सेम, व्हेन न्यूमेरेटर इज सेम देन लुक एट द डिनोमिनेटर्स, व्हेन द न्यूमेरेटर्स आर सेम लुक एट द डिनोमिनेटर्स. जब न्यूमेरेटर सेम होगा तब आपको डिनोमिनेटर में देखना है, न्यूमेरेटर की तरफ देखना है और डिनोमिनेटर की तरफ देख के देखिए. एंड व्हेन यू फाइंड द डिनोमिनेटर वन दैट वन डिनोमिनेटर इज वन डिनोमिनेटर इज लेस That means the number will be greater. इसका मतलब दोस्तों जब न्यूमेरेटर दोनों सेम होगा तब, जब न्यूमेरेटर सेम होगा तब आपको डिनोमिनेटर की तरफ देखना है. डिनोमिनेटर की तरफ देख के आपको 3/4 एंड 3/19, सपोज यहाँ पे मैं 3/4 राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में 3/19 डिनोमिनेटर की तरफ देख रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे 19 बड़ा लग रहा है 4 से. लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला है, व्हेन यू फाइंड दैट वन डिनोमिनेटर मतलब जिसका नंबर एक डिनोमिनेटर में आप नंबर डिफाइन है, व्हेन डिनोमिनेटर नंबर इज लेस दैट लेस, हां लेस देन
another denominator number mini ni likha hai pe less than another denominator number jab 4 obviously 19 se less hai that means 3 by 4 is greater than 3 by 19 jab denominator jo bhi less hoga theek hai dosto wo less jo hoga wo wo number greater hoga that means 3 by 4 is greater than 3 by 19 ठीक है दोस्तों ये भी ग्रेटर ये याद रखिएगा जो लेस होगा लेस मींस ग्रेटर इन केस ऑफ डिनोमिनेटर इन केस ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है ये फ्रैक्शन के लिए लेस इज ग्रेटर ठीक है लेस नंबर जो डिनोमिनेटर में आकर सोचे कि मैं 2 by 5 और 2 by 50 लिखा तो इसमें कौन सा ग्रेटर होगा हां उसमें होगा लेस कौन सा दोनों डिनोमिनेटर सेम है लेकिन लेस कौन सा 5 और 50 में 5 तो 2 by 5 इज ग्रेटर देन 2 by 50 ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों अभी और एक चीज फ्रैक्शन में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों मतलब कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा इक्वल हो सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अगर आपको मतलब 2 by 5 में मैंने जब पीछे अभी दिखाया था कि कौन सा ग्रेटर है तो दोस्तों ये होल नंबर के होल नंबर से भी आ सकता है कि 7 into 3 by 4 ठीक है 7 into 28 28 plus 3 31 31 by 4 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन करके आप क्या करना होगा पहले इसको सॉल्व करना होगा ठीक है उसको पहले सॉल्व करना होगा ठीक है उसके बाद यहां पे आ सकते हैं 31 by 4 यहां पे आ सकते हैं व्हिच वन इज ग्रेटर क्वेश्चन ऐसे लिख के व्हिच वन इज ग्रेटर तो आप यहां पे ऐसा क्वेश्चन और एक देगा ए ये देता है बी देगा कि 31 by 19 आप पहले इसको सॉल्व करना होगा जो होल फ्रैक्शन था मेरा मिक्स फ्रैक्शन जो था मिक्स फ्रैक्शन उसको सॉल्व करके आपको आपको 31 by 4 पहले लेके आना होगा प्रॉपर इंप्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना होगा उसके बाद आपको ग्रेटर जो है देखिए यहां पे देखिए 31 by 4 और 31 by 19 न्यूमरेटर सेम ठीक है न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर इज डिफरेंट डिनोमिनेटर इज 31 by 4 और डिनोमिनेटर इज सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट तब अब क्या करना है मैंने अभी बोला था क्या करना है द डिनोमिनेटर व्हिच इज लेस द फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर डिनोमिनेटर जिसका लेस होगा उसका फ्रैक्शन ग्रेटर होगा ठीक है दोस्तों तो दैट मींस 31 by 4 इज ग्रेटर 31 by 4 इज ग्रेटर देन 31 by 19 ये होगा दोस्तों आपका आंसर ठीक है दोस्तों फ्रैक्शन का इतना ही दोस्तों और मेरे ख्याल से ओलंपियाड में फ्रैक्शन के लिए इतना क्लास 6 के लिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों और भी अगर कुछ मुझे मतलब मिला क्या क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकते हैं वगैरह कुछ मतलब तो आपको मैं बोलूंगा तो फ्रैक्शन का चैप्टर यहां पे खत्म हो रहा है दोस्तों और दोस्तों मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप अगर फ्रैक्शन खत्म कर चुके हो तो रेशियो प्रोपोर्शन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लीजिए आपको इस वीडियो में जब पढ़ाऊंगा और दोस्तों और एक चीज कोई भी एग्जाम हमेशा याद रखना ओलंपियाड में कोई भी एग्जाम का मतलब हर एक एग्जाम आप मैथ दे रहे हो साइंस दे रहे हो जो भी दे रहे हो नेगेटिव मार्किंग नहीं दोस्तों और नेगेटिव मार्किंग में एक एडवांटेज है आप आता है या नहीं आता दोस्तों आप टिक करके चलिए मतलब आपको अगर लग रहा है कि हाँ मैं 60% श्योर हूं कि ये होगा डोंट लीव एनी क्वेश्चन दोस्तों डोंट लीव एनी क्वेश्चन क्योंकि अगर क्वेश्चन लीव करेंगे तो आपको ही लॉस होगा तो 60% श्योर भी होंगे ना तब भी आप टिक कीजिए कि हाँ ए इज करेक्ट ठीक है दोस्तों स्टिक करके आ जाइए और दोस्तों मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक बोला था कि वीडियो के अंत में खुशखबरी दूंगा और वो दोस्तों खुशखबरी ये है कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे में हमारे तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो एक सरप्राइज स्टोरी आने वाला है दोस्तों एक सरप्राइज स्टोरी और दोस्तों मैं कुछ ही दिन के बाद ही उसका जो कास्ट है उसको सबको सब लोग को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा ठीक है दोस्तों हमको ऐसे ही प्यार देते रहेगा दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और दोस्तों हमारा जो सरप्राइज है उसका जो सब कुछ खबर वगैरह सब कुछ पाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ठीक है दोस्तों चलिए धन्यवाद और द बेस्ट दोस्तों थैंक यू